हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक चौधरी और मैं आज आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है चालाक राजा। एक राज्य था, उसमें एक नियम था कि जो भी 5 साल के लिए राजा बनेगा उसे खतरनाक जंगल में छोड़ा जाएगा। और ऐसे ही लोग करते गए और ऐसे करते करते 9 राजाओं की बलि चढ़ गई और 10वां राजा बहुत चालाक निकला। उसने 1 साल में उस जंगल की खोज की और उस जंगल में देखा कि वहां पर 9 राजाओं के कंकाल पड़े हैं। और अगले 2 सालों में उसने उस जंगल से एक मैदान में बदल दिया। और जो अगले बचे हुए 2 साल थे उसमें उसने एक राज्य बसा दिया। और जैसे ही वो गांव के लोग उसे जंगल में छोड़ने के लिए आए, वैसे ही उन्होंने देखा कि जंगल तो वहां से गायब है। फिर उन्होंने उससे पूछताछ की कि जंगल कहाँ गया, तो उसने बताया कि जब मैं लकड़ियों को तुड़वा रहा था तब वहां से एक साधु उसके 2 शिष्यों के साथ आया, उसका कुंडल नदी में गिर गया। तो उस साधु ने शिष्यों से कहा कि मेरा कुंडल कौन निकालेगा, तो एक बोला कि मैं किसी को बुला कर लाता हूँ और दूसरा कुंडल निकालने के डर से बाजू में ही खड़ा रह गया। तो मैं ये सब देख रहा था और मैंने उनकी मदद की। तो इसके बदले में मुझे इन्होंने बताया कि अगले जो बचे हुए 2 साल है उसमें तुम वहां पर एक राज्य कर दो और उससे क्या होगा कि वो लोग तुम्हें जंगल में छोड़ने के लिए आएंगे तो वहां पर जंगल ही नहीं रहेगा। और उस साधु की बात सही निकली और वैसा ही हुआ। और जैसे ही वो बातें कर रहे थे वैसे ही वहां से उस राज्य के लोग आए और उन्होंने उनका फूलों से स्वागत किया और ये सब लोग देखकर हैरान हो गए और चुपचाप वापस लौट गए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें अपने बचे हुए टाइम में टाइम पास ना कर हमें उस टाइम में कुछ करना चाहिए। थैंक यू।